नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमी नेटवर्क टीम वॉरियर में। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। और एटोमी की लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है, आज 10 जून है, जस्ट 2 घंटे पहले की न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी एटोमी के मेंबर्स हैं इंडिया में, जितने भी एटोमियंस हैं, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए एटोमी के बारे में तो एटोमी इंडिया का जो ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जितने भी ग्रुप चल रहे हैं वो फेक है, नकली है, उन पे आप ज्वाइन मत कीजिए। यहीं पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कृपया करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग की कंडीशन है कि आपका प्रोफाइल पिक होना चाहिए, तभी एटोमी इंडिया ऑफिशियल आपकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो इस ग्रुप में जुड़ने के लिए एक्सेप्ट करेंगे। और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक न्यूज़ की, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। जितने भी मेरे एटोमियंस हैं इंडिया के अंदर, सब के सब लीडर्स एक्साइटिंग हो जाएंगे। ये एक्साइटेड न्यूज़ है, आपको एक्साइटिंग कर देगी ये न्यूज़, ठीक है। तो लेटेस्ट न्यूज़ है 2 घंटे पहले की। जैसे कि आपको पता है कि टीम वॉरियर का जो चैनल है एटोमी ग्लोबल नेटवर्क, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी और एटोमी इंडिया ऑफिशियल की तरफ से जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही टाइम पे हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और जितने भी नए मेंबर्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एटोमी से रिलेटेड A to Z ग्लोबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। और अगर आप नए मेंबर हैं, टीम वॉरियर के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्मार्टेस्ट और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम लेकर के आपके लिए आई है। तो स्मार्टेस्ट टीम के साथ जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आपको टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन सिस्टम है, आपको इस एजुकेशन सिस्टम का पूरा सहयोग मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम एटोमी इंडिया की जो न्यूज़ ऑफिशियल, इसमें इन्होंने ये बोला है कि वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन फॉर मेकिंग एटोमी सक्सेसफुल, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, अभी तक एटोमी के अंदर 15 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर हो चुके हैं और जितने भी एटोमियंस हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एटोमी लॉन्च होने का, ठीक है। और जैसा कि हमारे MD मिस्टर अली सर ने अभी थोड़े दिन पहले लाइव आए थे, वो उन्होंने बताया था एटोमी का जो लेटेस्ट प्लान है क्या चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है 61 प्रोडक्ट रजिस्टर हो चुके हैं, 48 प्रोडक्ट अंडर रजिस्ट्रेशन है और 6 फूड की कैटेगरी। तो इनका एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 100 से लेकर के 115 के बीच आसपास प्रोडक्ट लॉन्च करने की संभावना है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी लीडर्स हैं जो मार्केट में बोल रहे हैं कि 2 साल 2.5 साल से चल रहा है, कुछ होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो एटोमी के बारे में नहीं जानते हैं अच्छी तरीके से, तो 4 नवंबर को इसका ऑफिस लॉन्च हो चुका है गुड़गांव के अंदर। एटोमी इंडिया की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जो कि आप देख चुके हो। थर्ड स्टेप है, कोरोना के चक्कर में थोड़ा डिले हो गया था इसका लॉन्चिंग, लेकिन लॉन्चिंग से पहले कुछ प्लानिंग होती है कंपनी की, जैसे कि वेबसाइट लॉन्च कर दिया, ठीक है। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद अभी तक जितने भी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे वो साउथ कोरिया की वेबसाइट पे हो रहे थे। और अभी इस न्यूज़ के अनुसार डाटा माइग्रेशन का प्रोसेस, जितने भी मेंबर्स रजिस्टर्ड हुए हैं इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख या मोर देन, तो सभी का जो डाटा है वो साउथ कोरिया की वेबसाइट से इंडिया की वेबसाइट पे माइग्रेशन की प्रोसेस है वो चलेगी। और जो ये डाटा माइग्रेशन की जो प्रोसेस है वो 2 वीक भी चल सकती है और 1 महीना भी चल सकती है, 15 से 30 दिन भी चल सकती है। इसके बारे में अभी टाइम पीरियड एटोमी की तरफ से बताया नहीं गया है, लेकिन अभी बहुत जल्दी चलने वाली है ये प्रक्रिया, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी इन्होंने लिखा है बिल्कुल क्लियरली, दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स बिफोर माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट एंड इन्फॉर्म अदर मेंबर्स अबाउट द फॉलोइंग अपडेट्स। अभी आपकी टीम के पास आप अपने मेंबर्स को बताइए, जितने भी रजिस्ट्रेशन नए मेंबर्स के उनके पास हैं, तो कृपया करके अभी जो टाइम मिल रहा है हमें 5 से 7 दिन जो भी अपने पास है, आप अपनी टीम के मेंबर्स को बताइए मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट करें नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर। और फाइनल डेट अभी आएगी तो मान के चलिए बहुत ही जल्दी एटोमी वो डेट डिसाइड करने वाली है, जिस तारीख से एटोमी जो साउथ कोरिया की वेबसाइट है वहाँ से आपका डाटा माइग्रेशन होगा इंडिया की वेबसाइट पर। जितनी स्ट्रक्चर आपने बनाई है वो सेम एज इट इज़ इंडिया की वेबसाइट पर आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन न्यू मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप रजिस्ट्रेशन ऑन साउथ कोरिया वेबसाइट एज वेल एज ऑन इंडियन वेबसाइट विल बी होन। जो माइग्रेशन की प्रक्रिया है उसके अंदर जो डाटा माइग्रेशन का काम चलेगा साउथ कोरिया की वेबसाइट्स से इंडिया की वेबसाइट पर, इस दौरान
जो मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूटर जितना भी रजिस्ट्रेशन साउथ कोरिया की वेबसाइट पे क्लोज हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, और इंडिया की वेबसाइट पे भी होल्ड होगा, आप नहीं कर पाएंगे। जब डाटा माइग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कुछ टाइम के लिए ये रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, तो आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। इससे पहले अभी आपके पास जितना भी टाइम मिल रहा है, आप अपनी टीम को बोलिए रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाइए। सेकेंड, ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियन मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन नॉट बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम साउथ कोरिया एज वेल एज फ्रॉम एनी अदर सब्सिडरीज। जैसा कि जैसे डाटा माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा साउथ कोरिया की साइड से इंडिया की वेबसाइट पे, अगर आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो साउथ कोरिया से या दूसरे कंट्रीज से, 14 कंट्रीज में एटोमी अभी रनिंग कंडीशन में है, जैसा कि जो भी लीडर्स अभी तक प्रोडक्ट मंगवा रहे थे खुद की आईडी पे, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे थाईलैंड हो, यूएसए हो, कहीं से भी, तो आप अपनी पर्सनल आईडी पे पर्सनल यूज के लिए जो भी प्रोडक्ट आप मंगवा रहे थे वो भी आप बाई नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। डाटा माइग्रेशन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर जो टाइम पीरियड दिया जाएगा उसके बीच आप कहीं से भी आपकी पर्सनल आईडी पे किसी भी कंट्री से आप प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, तो वो भी सब होल्ड रहेगा, आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में न्यूज़ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट यही है कि माइग्रेशन की प्रक्रिया के दौरान जो नए मेंबरशिप है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ वहाँ पे होल्ड किया जाएगा, बंद किया जाएगा कुछ टाइम के लिए, और जब डाटा माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब ही इंडिया की साइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इस दौरान, डाटा माइग्रेशन की प्रक्रिया के दौरान, आप कहीं से भी एटोमी का प्रोडक्ट बाई नहीं कर सकते, आप अपनी आईडी पे किसी भी कंट्री से, वो सब क्लोज हो जाएगा। इस प्रक्रिया में जितना टाइम लगेगा उसके लिए आपको वेट करना है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ थी, अपडेट थी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और बहुत बड़ी न्यूज़ है सभी एटोमियंस के लिए कि एटोमी लॉन्चिंग की दिशा में एक नया कदम और आगे हम बढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और अगले महीने से एटोमी इंडिया की वेबसाइट फुल्ली काम करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इंडिया की वेबसाइट पे अगले महीने से, डाटा माइग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा या चलता रहेगा, वो न्यूज़ भी आपको एटोमी दे देगी। आपका KYC स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट महीने से। तो KYC के लिए क्या है कि जैसे आपका पैन कार्ड ऑटो वेरीफाई हो रहा है अभी, बहुत अच्छी बात है, सेम वे में जो लेटेस्ट अपडेट एटोमी ने डाली थी, लास्ट न्यूज़ थी इसकी, उसके दौरान बताया गया था ऑफिस की तरफ से कि आप अपना आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक कीजिए, जिस भी मेंबर का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मेरे चैनल पे जो लास्ट वीडियो आप देखिए, पहले चेक कीजिए आप, आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो आप चेक कीजिए, आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उसको आधार कार्ड की वेबसाइट पे आप वेरीफाई कीजिए, अगर लिंक होगा तो आपके पास OTP आएगा, कंफर्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस लीडर का, जिस मेंबर का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे कि आप अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं। और अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, आप करंट एड्रेस कहीं और है, आधार कार्ड में कहीं और दे रखा है, तो आप अपना एड्रेस भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, और आधार कार्ड का एड्रेस करंट अगर चेंज हुआ है वो, और मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं है, नया मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं, पुराना मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास, नया ऐड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरीके से आपको मोबाइल नंबर नया ऐड करना है ऑनलाइन और आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है ऑनलाइन, इसके वीडियोज़ आप बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको देखिए, और फिर सारी चीज़ें ऑनलाइन अपडेट करने के पश्चात आप अपने नियरेस्ट जो आधार कार्ड सुविधा केंद्र है, चाहे बैंक में हो, आजकल बैंक में भी आधार कार्ड से संबंधित आप सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें, सारे न्यूज़ आपको बताई जाएगी, आप इस चैनल के साथ बने रहिए। जो नए लीडर्स हैं हमारे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको एटोमी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, स्टेप वाइज वेबसाइट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनसेशन प्लान से, हर चीज़ आप हमारे चैनल पर प्राप्त करेंगे। टाइम टू टाइम हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ताकि आपका जो कैरियर है एटोमी के अंदर बहुत ही अच्छा चले, और आप सब लोग एटोमी के अंदर एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टीम वॉरियर से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको टीम वॉरियर सिस्टम का पूरा सहयोग मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।